सूरत शहर में भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा लघु मध्य मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरफान अहमद जी को सूरत बुलाया गया। जनाब इरफान अहमद जी ने मुस्लिम इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते वक्त मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की और उनसे भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर बहुमत से जिताने की अपील की। प्राइम 7 न्यूज से बात करते वक्त इरफान अहमद जी ने कहा कि सूरत के मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा के साथ हैं और साथ ही में कांग्रेस द्वारा जो जीएसटी को गब्बर जीएसटी कहा जा रहा है वो कांग्रेस का डीएनए है। कांग्रेस ने गरीब प्रजा पर गब्बर सिंह जैसा जुल्म किया और गरीब जनता का पैसा लूटा है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अहमद है। मैं राष्ट्रीय प्रमुख हूँ लघुमती मोर्चा ना, भाजपा का जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा है आपके यहाँ लघुमती मोर्चा कहते हैं, इसका राष्ट्रीय उपप्रमुख होने के नाते और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमें सूरत में प्रचार के लिए पार्टी ने बोला था तो मैं लगातार 2 नवंबर से आपके सूरत में यहाँ पर पार्टी के प्रचार में लगातार बना हुआ हूँ और ख़ास तरीके से जहाँ जहाँ पर भी लघुमती की ज़्यादा वोट है, लघुमती के ज़्यादा मतदार हैं वहाँ पर हमने जाके कॉन्सेंट्रेट किया है, डोर टू डोर जाके प्रचार किया है और उन सबसे संपर्क किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा है लघुमती है वो बहुत ही प्रो बीजेपी है और पिछले कई चुनावों से वो लगातार समर्थन भी भाजपा का कर रहा है और उनके एरिए में या जो जो भाजपा का जो अपना पार्टी है उसके धारा सब हैं, उसके MP हैं, वो भी लगातार लघुमती के एरियों में विकास का काम उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से किया है और पिछले 22 साल में उनकी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, ऐसा मैंने महसूस किया है। और कहीं भी जिस तरीके से मीडिया में कि परसेप्शन रहता है कि वो जो लघुमती के वोट हैं वो तो बीजेपी को मिलते ही नहीं है, मेरे को लगातार 20-22 दिन में कहीं भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला कि भारतीय जनता पार्टी का वो समर्थन नहीं करती, ऐसा मीडिया में मैंने परसेप्शन देखा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर उनसे बात करने पर, उनसे लगातार संपर्क करने पर और डोर टू डोर प्रचार करने पर मेरे को ऐसा नहीं महसूस हुआ कि वो भाजपा के विरोधी हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है पाटीदार अनामत जो आंदोलन चल रहा है जो उसको आंदोलन उसको आंदोलन लेना चाहिए? नहीं, जो पाटीदारों का जो आंदोलन है अगर आप की मेमोरी अगर शार्प है या पिछले वाले अगर चुनाव में भी जाएंगे तो लगातार कोई ना कोई पाटीदारों का चुनाव से पहले आंदोलन का कोई ना कोई हिस्सा रहा है। जैसे पिछले अगर आप चुनाव में जाएंगे तो हमारे ही बहुत ही माननीय सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशुभाई पटेल जी का पिछले चुनाव में मुद्दा था और हार्दिक तो उनके सामने की टिकता ही नहीं, लेकिन हमारे जो पाटीदार भाई हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का पूरे दिल के साथ समर्थन करते हैं और चूटनी आते आते अगर उनकी कुछ दिल में है या कोई उनकी समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी समझते हैं और लगातार उनका समर्थन करते रहे। आने वाले 9 दिसंबर के जो सौराष्ट्र में और दक्षिणी गुजरात में जो इलेक्शन है चूटनी है उसमें पाटीदारों का पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला है। क्या लगता है हार्दिक से पार्टी को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सभी हमारे पाटीदार भाई ये 18 दिसंबर को हार्दिक बधाई देने वाले हैं भारतीय जनता।